जोहेल चैंपियन कप 2024 का आज यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है और आगे भविष्य में भी सोचेंगे कि इसी प्रकार से कि इसी ग्राउंड के अंदर और अच्छे लेवल पर इस मैच को कराते रहें और बाहर से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आए और मैच को खेलें, एंजॉय करें। मेन मकसद ये है कि नशे से दूर अच्छी आदतों के साथ स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम, खेलना और गुरु एक बारी विकेट मारना इसमें देखेंगे तो हॉस कितना इम्पोर्टेंट रह जाएगा पहले मैच में। माइकल जो कि आपके बीच में हमारे यूट्यूबर आ चुके हैं और पहले मुकाबले की टॉस जॉल क्रिकेट प्रतियोगिता दिल्ली में मुकाबला डबल विकेट टूर्नामेंट खेला जाता हुआ बुराड़ी दिल्ली में एमबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बीच पहला मुकाबला डबल विकेट टूर्नामेंट ग्रीन बॉल और टॉस जीतकर वसीम विनर और आपके भी बोल डालेंगे और पहला मुकाबला टूर्नामेंट का जोल चैंपियन प्रतियोगिता दिल्ली में डबल विकेट टूर्नामेंट खेला जाता हुआ पहला मुकाबला शुरू छह छह बॉल और वाइड नो और छक्के का रन वसीम वर्सेज और दुर्गेश करेंगे बल्लेबाजी और दुर्गेश के लिए पहली बॉल लेकर तैयार वसीम दोनों ही शानदार और जबरदस्त खिलाड़ी टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला एमबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बुराड़ी जबरदस्त ग्राउंड सामने दुर्गेश पहली बॉल राउंड द विकेट दुर्गेश टॉस बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर बेहतरीन छक्का लगाते हुए दुर्गेश फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देती है पहली बॉल पर जबरदस्त छक्का पहली बॉल पर ही छक्का दुर्गेश ने तो आते ही उठा दिया धुआं दूसरी बॉल लेकर तैयार वसीम दुर्गेश के लिए और एक और बार बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए दो बॉलों पर दो लगातार छक्के तीसरी बॉल वसीम और दुर्गेश के लिए वाइड के बाद वसीम और अंपायर का इशारा एक और वाइड वाइड के बाद स्कोर हो जाएगा 14 रन लेकिन शानदार कोशिश और शानदार एफर्ट पूरी 110 में से 10 नंबर वसीम फ्रॉम दिल्ली को भी जीता है जबरदस्त फील्डिंग के लिए और लेकिन कैच हो सकता था तीन बॉल दो छक्के और दो वाइड चौथी बॉल वसीम राउंड द विकेट हल्के रन अप के साथ और पटकी हुई बॉल और उसको आगे बढ़ के मार दिया और बॉल बाउंड्री के बाहर छह रन तीसरा छक्का इस लगता हुआ इसी ओवर में जबरदस्त छक्का लगाते हुए जुटे दुर्गेश कह देते जबरदस्त छक्का चौथी बॉल वसीम पटकी हुई पांचवी बॉल तीसरा मिल जाएगा स्कोर और एक और बार दुर्गेश ने तो धुआं उठा दिया और बॉल बाउंड्री के बाहर चौथा छक्का इस ओवर में पहले मुकाबले की अंतिम बॉल वसीम और सामने दुर्गेश चार छक्के लगा चुके हैं नौ बॉल और एम्पायर की जांच होगी डॉट बॉल एम्पायर की बॉल डॉट 27 रन सेव करने हैं यहां पर और मुकाबले को जीतने के लिए जीनू करेंगे गेंदबाजी और वसीम को 27 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए बल्लेबाजी के लिए तैयार नानो और सामने गेंदबाज जीनू फुल टॉस बॉल और मिस टाइम डॉट बॉल पांच बॉल 27 रन की जरूरत और बोल्डी कर दिया बेहतरीन गेंदबाजी करती है जीनू फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते हैं बोल्डी कर दिया बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए यहां पर जीनू चार बॉलों में 27 रन की डॉट बॉल के बाद फिर तैयार तीसरी बॉल लेकर तैयार जीनू वाइड बॉल छह रन शानदार छक्का लगाते हुए बैक टू द बॉलर सिर के ऊपर कर छह रन लगाते हुए नानू फ्रॉम दिल्ली को भी तीन बॉल में 7 रनों की जरूरत चौथी बॉल
एक और फुल टॉस और मिस टाइम होगी और बॉल होगी डॉट, पांचवी बॉल और डॉट बॉल और मुकाबला लगभग हो जाएगा समाप्त। पहला मुकाबला हो जाएगा समाप्त, जयवर्धन मुकाबले में हो जाएंगे कामयाब। और दूसरा दूसरा मुकाबला होता है सन्नी भाई करेंगे बल्लेबाजी ग्राउंड से बाहर, टॉस के लिए तैयार बलबीर। और दूसरा मुकाबला होता है शुरू सन्नी भाई और सामने बलबीर फ्रॉम दिल्ली। और बलबीर सन्नी भाई के लिए और काफी लंबा छक्का लगा दिया इस बार तो मिड ऑफ के सिर के ऊपर कर सन्नी भाई फ्रॉम दिल्ली को बिग बैन चीता ही कह देते हैं जबरदस्त छक्का लगाते हुए। दूसरी बॉल लेकर सामने सन्नी भाई और एक और बॉल दूसरी बॉल बलबीर सन्नी भाई के लिए ठीक है और सामने फील्डर मौजूद बॉल बाउंड्री के बाद चार रन दो बॉल में आठ रन। तीसरी बॉल बलबीर बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल चौथी बॉल और बॉल होगी डॉट। पांचवी बॉल बलबीर कुछ नहीं है कुछ नहीं और बॉल जाएगी इस बार भी बाउंड्री के फिर से डॉट बॉल डॉट बॉल मैच में वापसी करेंगे या नहीं। अंतिम बॉल फुल टॉस का भी फायदा नहीं उठा पाए और बॉल होगी डॉट। जी हां 9 रन की जरूरत मुकाबले को छोटा पैकेट करेगा गेंदबाज 9 रनों का टारगेट दिया है बल्लू करेगा बैटिंग करेंगे और अब गेंदबाजी करेंगे मुकुल और काफी युवा गेंदबाज और सामने बलबीर उर्फ बल्लू राउंड द विकेट पहला बॉल लेकर तैयार और पहली बॉल डॉट बॉल और का दूसरा बॉल लेकर मुकुल दूसरी बॉल और डॉट बॉल बहुत ही बढ़िया प्यारा बॉल तीसरी बॉल वाइड है वाइड है सब वाइड बॉल का इशारा यहां पर वाइड शाबाश एक और वाइड फिर से वाइड बॉल चार बॉलों पर 7 रन की जरूरत बलबीर और सामने मुकुल और बॉल होगी डॉट। मुकुल शानदार और जबरदस्त गेंदबाजी करते अच्छी बॉल डाल रहे हैं अभी तक और बॉल जाएगी बाउंड्री की तरफ और ये भी बॉल डॉट बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकुल दो बॉलों पर 7 रन की जरूरत मुकुल और इस बार बॉल बल्ले के नीचे जाएगी और झाड़ू शॉट लगा दिया बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रन शानदार छक्का लगाते हुए बल्ले को आखिरी बॉल पर को भी चीता ही या तो वाइड की जरूरत हो या फिर छक्का लगाना पड़ता और मुकुल अंतिम बॉल लेकर तैयार और ये भी बॉल होगी डॉट और मुकाबला हो जाएगा टाई पर समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकुल फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते हैं उभरता हुआ युवा गेंदबाज और शानदार गेंदबाजी कर मुकाबले को टाई पर रोक दिया। चार बॉल का मुकाबला फिर शुरू सन्नी भाई भी तैयार और बलबीर चार बॉल का पहली बॉल और पहली बॉल पर शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं छक्के को सन्नी भाई फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते और शॉट ऑफ द डे बॉलर का वही हर्ष किया है जो दूसरी बॉल राउंड द विकेट बलबीर सन्नी भाई के लिए और दूसरा बॉल बल्ले के नीचे तीसरी बॉल बल्ले के तैयार मौका था बॉल को हिट करने का और बॉल होगी डॉट। तीन बॉल टाई के बाद चार बॉल का अंतिम बॉल बाकी बलबीर और सन्नी और ये भी बॉल होगी डॉट। 7 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए क्या मुकुल बचा पाएंगे 7 रन विक्रांत मुकुल और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल बल्लेबाजी पर तैयार विक्रांत और मुकुल और बॉल होगी डॉट। तीन गेंदबाजी मुकुल द्वारा डॉट बॉल तीन बॉल एक छक्के की जरूरत मुकुल और ये भी बॉल डॉट बेहतरीन गेंदबाजी करता है मुकुल दो बॉल एक छक्के की जरूरत विक्रांत और सामने मुकुल और ये भी बॉल डॉट बेहतरीन बॉल और लगातार तीन बॉल डॉट एक बॉल बाकी एक बॉल पर एक छक्का और बेहतरीन शानदार गेंदबाजी करते हुए छोटा पैकेट बड़ा धमाका मुकुल फ्रॉम दिल्ली को भी चीता ही कह देते और जबरदस्त गेंदबाजी कर कर मुकाबले को ही जिता दिया। जोएल करेंगे बल्लेबाजी इसी के नाम पर होता हुआ डबल विकेट टूर्नामेंट मोनू कलाई वर्सेस अनीश की टीम ग्राउंड में जहां भी है जल्दी से जल्दी आए
अनीश एंड गौरव चौथे मैच के लिए रेडी रहे। अगला मैच भाइयों आपका ही है, नेक्स्ट मैच आपका ही है गौरव एंड अनीश। गोली वाली बाउंसर मार दी। और मुकाबला शुरू होता है योगेश और नितिन और दीप। सभी पार्टिसिपेंट टीम से रिक्वेस्ट है जितने भी प्लेयर्स हैं जिनका राउंड द विकेट करेंगे गेंदबाज जिनका मैच चल रहा है वही रहे। गौरव पहला बॉल लेकर तैयार, अब बढ़िया पहली टप पे ओवर का दूसरा बॉल लेकर तैयार गौरव। बहुत ही बढ़िया बॉल डॉट टप्पे से बॉडी लाइन पकड़ के बॉल डाल। तीसरी बॉल तीसरी बॉल पर पहला छक्का लगाते बहुत ही प्यारा। चौथी बॉल लेकर तैयार योगेश और सामने दीप। चौथा बॉल डॉट बॉल। पांचवी बॉल लेकर तैयार और सामने वाइड बॉल। वाइड के बाद फिर तैयार योगेश और सामने दीप। एक छक्का लगा चुके हैं अब तक और ये भी बॉल डॉट। अंतिम बॉल इस मुकाबले की और शानदार शॉट और इस ओवर में लगे दो छक्के, तीन छक्के की जरूरत है तीन और योगेश को मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर दीप और छक्के के साथ 14 रनों का टारगेट देते हुए यहाँ पर और गेंदबाज विकास राठी और सामने नितिन बॉल होगी डॉट। विकास राठी और सामने नितिन और ये बॉल डाल दिए यहां पर विकास। चार बॉल तीन छक्के जल्दी जल्दी अपनी अवेलेबिलिटी दें और जी हाँ गोली की तरह बॉल को भेज दिया नितिन ने बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का लगा। तीन बॉलों में 8 रनों की जरूरत यहां पर नितिन को जीता ही कह देते हैं। बहुत ही प्यारा शॉट लगाया यहां पर और टीम तीन बॉलों पर 8 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। विकास राठी और बॉल मिस करते हुए विकास राठी और सामने नितिन। पांचवी बॉल बॉडी की तरफ बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर चार डॉट बॉल। एक बॉल पर 8 रन की जरूरत शायद मोनू भाई थोड़ा सा नाराज है। लक्की भाई से रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड में आए और टॉस करें और बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगी 4 रन डॉट बॉल और मुकाबला हो जाएगा समाप्त। विकास राठी और दीपू इस मुकाबले को विकास राठी मैच जितवाते हुए 14 रन सेव करते हुए अपनी टीम के लिए गेंद पास ओल्ड इज गोल्ड मोनू कलाई और सामने बल्लेबाज अलग ही अंदाज अनीश गुजर। एक तरफ यंगस्टर और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस कौन मोनू कलाई। पहली बॉल लेकर तैयार अनीश के लिए पहला बॉल लेकर तैयार मोनू कलाई और कीपर बॉल डॉट बॉल डॉट। दूसरी बॉल मोनू और शानदार बॉल डॉट बॉल। चौथी बॉल लेकर तैयार मोनू कलाई और सामने अनीश पैरों की तरफ छक्का लगाते हुए अनीश फ्रॉम दिल्ली अंतिम बॉल मोनू कलाई और बेहतरीन गेंद थी लेकिन उससे भी बेहतर छक्का अनीश के बल्ले से लेकरता हूँ अनीश को चार बॉल जबरदस्त छक्का लगाते हुए और अब बल्लेबाज के लिए तैयार लक्की और सामने गेंदबाज गौरव फ्रॉम दिल्ली। जल्दी से जल्दी
छह बॉल 14 रन पहला बॉल लेकर तैयार जीतने के लिए गौरव। तो स्टाइल में 5 बॉल 14 रन की जरूरत। और जी हाँ, लक्की ने भी घसीट दिया है बॉल को, बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाएगी और सामने फील्डर अनीस। और इसी के साथ तीन गेंदबाजी और आउट ही हो जाएगा। और अब मोनू कलाई और बॉल होगी डॉट। चौथी बॉल और मौका था बॉल को हिट करने का। और जी हाँ, शानदार छक्का लगाते हैं ओल्ड इज गोल्ड मोनू कलाई फ्रॉम दिल्ली को भी चुता ही कह देते हैं। और जबरदस्त छक्का लगाते हैं। 4 बॉलों पर 6 रन और 2 बॉलों पर 8 रन की जरूरत। एक और पटका बॉल में तेज बॉल डालते हुए यहां पर अंतिम बॉल और एक और छक्का और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर मुकाबला हार जाएंगे। एक रन से हारते हुए यहां पर लक्की भाई की टीम। और एक और मुकाबला सुमित कारला वर्सेज पार्चा के बीच, ये टूर्नामेंट का एक और जबरदस्त मुकाबला। राहुल नीरज सुमित कारला जल्दी से जल्दी अर्जुन डॉट बॉल ओवर का दूसरा बोलने का तैयार। दूसरी बॉल अर्जुन और एक और बॉल डॉट। तीसरी बॉल एक और बॉल डॉट पार्चा और सामने अर्जुन। और खड़ी हो गया यहाँ पे पार्चा ने बोला नीचे क्या कैच होगी या नहीं और ये डॉट बॉल डॉट। जी हाँ वाइड बंद पैगे के लिए प्रेशर आ और ये भी बॉल डॉट और मैदानियों में डालते हुए अर्जुन फ्रॉम दिल्ली को भी जीता है कह देते हैं। सुमित कारला और सामने बाबू पहली बॉल और डॉट बॉल। दूसरी बॉल बाबू छोटा बॉल लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया सुमित कारला। मैच का रिजल्ट एक तरफ करते हुए यहां सुमित कह देते और मुकाबले को ही जिता दिया। मैच की टॉस करा दो फिर पीटर राइट करते हुए बल्लेबाजी पानी पिला दो। भाई मैच चालू करो बोलो 2:30 बजे के बाद अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई जल्दी आए राहुल भाई जल्दी 9 बजे पहुंच जाऊंगा भाई बैटिंग 9 बजे पहुंच जाऊंगा हेलो।